A very good morning, BBPians. How are you all? Fine. Stay home. Be safe. Class 3rd. In previous class, we discussed एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा था हमने प्रीवियस क्लास में. आई होप सबने प्रीवियस वीडियो सुना होगा. थर्ड क्लास क्लियर टू यू ऑल. नाउ क्लास थर्ड. टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3. आज हम हमारी एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे. आई होप ऑल ऑफ यू कम्प्लीट योर वर्क स्टिल. ठीक है, सबने अपना अपना वर्क कम्प्लीट कर लिया है नोटबुक्स में. ठीक है, नाउ सी हियर एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 73 फ्रॉम योर बुक. फाइंड द सम. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फाइंड द सम. हम एडिशन देख रहे थे. इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है, सम निकालना है. तो आपको पता है हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे. पहले तो हम ये देखेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है या नहीं है. सी ए पार्ट 2/7 प्लस 3/7. हेयर डिनोमिनेटर आर इक्वल, इट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन है. तो हमें क्या बोला था कि हमें दोनों न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है. ठीक है, देन आफ्टर डैट क्या करना है, हमको डिनोमिनेटर सेम लिखना है. तो हमें क्या कैसे करना पड़ेगा. सी हेयर 7 डिनोमिनेटर हम पहले लिख देंगे. 2+3 इक्वल्स टू 2+3 कितना होता है 5. 5/7 हमारा आंसर हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन का ए पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का. 2 अपॉन 7 3/7 टू न्यूमरेटर प्लस 3 न्यूमरेटर, क्योंकि हम दोनों को न्यूमरेटर्स को प्लस कर देना है. डिनोमिनेटर पे हमें सेम नंबर लिखना है. क्लियर थर्ड क्लास. नाउ सी नेक्स्ट सी पार्ट 3/11 प्लस 5/11. ठीक है, तो हमको क्या करना है, सेम 11 डिनोमिनेटर पे लिख देना है क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है. तो 3+5 क्या हो जाएगा, 3+5 8, 8/11 आंसर हो जाएगा. क्लियर थर्ड क्लास. नाउ सी ई पार्ट, ई वाला देखते हैं हम. 11/19 प्लस 4/19. तो क्या करना है हमको, 19 डिनोमिनेटर पे एज इट इज लिख देंगे. 11 प्लस 4 कितना हो गया, 11 प्लस 4 15. 15/19 हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें न्यूमिनेटर्स को ऐड करना है अगर हमें सम निकालना है लाइक फ्रैक्शंस का. ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज हमको लिख देना है. नाउ जी पार्ट 3+10 प्लस 4+10. डिनोमिनेटर 10 है हमारा, सेम है. तो 3+4 ठीक है, 3+4 कितना हुआ, 7/10. क्लियर थर्ड क्लास. एंड रिमेनिंग सम्स बी डी एफ एच डू योर सेल्फ इन योर नोटबुक. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द डिफरेंस. फर्स्ट में हमने क्या देखा था, फाइंड द सम ऐड किया था, इसमें हमें माइनस करना है. सेम प्रोसीजर है, हमें यहाँ पे न्यूमिनेटर को माइनस कर देना है दोनों न्यूमिनेटर को, और उसका जो आंसर आएगा हमको न्यूमिनेटर की साइड पे लिखना है. एंड डिनोमिनेटर जो कॉमन डिनोमिनेटर है हमें वो मेंशन करना है. सी हियर ए पार्ट 4/7 माइनस 1/7. डिनोमिनेटर एज इट इज कॉमन, 4-1 तो हमारा क्या आ गया, 4-1 करेंगे तो 3/7 हमारा आंसर. यहाँ पे डिफरेंस में हमें दोनों न्यूमिनेटर को माइनस करना है जो लाइक फ्रैक्शन है जिनका डिनोमिनेटर सेम है. ठीक है ना, और एडिशन में क्या करना था, दोनों न्यूमिनेटर्स को ऐड करना था. नाउ सी नेक्स्ट पार्ट सी 9/20 माइनस 3/20. तो डिनोमिनेटर 20 एज इट इज लिखेंगे, 9-3 क्योंकि दोनों न्यूमिनेटर की साइड पे हमें माइनस करना है. तो 9-3 कितना हुआ, 6. 6/20 हमारा आंसर हो गया. क्लियर थर्ड क्लास. नाउ सी नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट 59 डिनोमिनेटर है, हमें डिनोमिनेटर की जगह पे लिखना है, सेम है. नाउ सी 32-19. 32 में से हमें 19 को माइनस करना है, क्या आंसर आएगा, 13/59 क्या आंसर आएगा, 13/59 हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है ना, माइनस करेंगे तो यू ऑल्सो सॉल्व इन योर रफ कॉपी, आपको माइनस रफ कॉपी में करके देखना है. ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट जी पार्ट 16/37 माइनस 9/37. तो 37 हमारा डिनोमिनेटर है, सेम है, हम लिख देंगे 16-9 करो माइनस, कितना आएगा, 7.
सेवन आ रहा है, अब सॉल्व कर रहे हो तो रफ कॉपी में, यस सेवन आ रहा है, सेवन अपॉन 37 हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्लास थर्ड, रिमेनिंग बी डी एफ एच डू योर सेल्फ ऑल्सो इन योर नोटबुक। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, हमें इसमें ब्लैंक्स को फिल करना है। सी हेयर ए पार्ट, 4 plus 9 plus 3 upon 9 ठीक है, तो यहाँ पे हमें ब्लैंक फिल करना है। हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा इस ब्लैंक में, 9 डिनोमिनेटर है, यहाँ 4 न्यूमिनेटर प्लस 3, तो क्या आ गया 4 plus 3 7 upon 9। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा हमारे ब्लैंक में, 7 upon 9, ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया ए पार्ट। नाउ सी नेक्स्ट सी पार्ट, सी पार्ट देखते हैं, 3 upon 19 प्लस ब्लैंक अपॉन 19 इक्वल्स टू 16 upon 19, इट मीन्स हमको ये वाला ब्लैंक सॉल्व करना है। तो ये ब्लैंक कैसे सॉल्व करेंगे, सी हेयर यहाँ 19 है, अब 3 में ऐसी क्या डिजिट प्लस करेंगे जो 16 आंसर आएगा, 3 में ऐसी कौन से डिजिट प्लस करेंगे जो 16 आंसर आएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें 16 माइनस 3 कर देंगे। रुको देखो इधर, 16 माइनस 3 कितना करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 13 upon 19, यही हुआ। तो जो यह वाला ब्लैंक है इसमें क्या आएगा, 13, क्या आ जाएगा 13। अब देखो सॉल्व करो, अब इस 3 में 13 प्लस करेंगे तो 16 आया, यस। तो क्लियर हो गया आपको ये कैसे करना है, अगर यहाँ ब्लैंक दिया है तो आपको इस डिजिट से ये डिजिट माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको सेम इधर ब्लैंक दिया है तो इस डिजिट में से, और आपको प्लस करना है इस डिजिट में से, इस डिजिट को माइनस कर देंगे तो हमारा इधर वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको। नाउ सी नेक्स्ट ई पार्ट, हम ई पार्ट देखते हैं, सेम इसमें भी हमको यही वाला ब्लैंक फिल करना है। तो 47 डिनोमिनेटर है हमारा, हम लिख देंगे, ठीक है ना। अब माइनस करेंगे किसको, अभी मैंने आपको बताया था हमें ये ब्लैंक करना है और हमें प्लस करना है, तो यह 31 है, पर आपको साइन का जरूर ध्यान रखना है, अगर यह माइनस है, ठीक है ना, साइन का आपको जरूर ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ प्लस है इसलिए हम 31 में से 21 को माइनस कर देंगे, 31 में से 21 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आया, 10 upon 47, क्या आ गया हमारे पास 10, और इस 21 में 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 31। ऑल ऑफ यू क्लियर, क्लियर थर्ड क्लास। नाउ रिमेनिंग बी डी एफ, डू योर सेल्फ इन योर नोटबुक, ठीक है, क्लियर थर्ड क्लास। टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3। आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर, दोज यू कांट क्लियर लिसन दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, जिसे नहीं क्लियर हुआ है वो वीडियो को अगेन एंड अगेन लिसन करेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो डू एक्सरसाइज 8.3 इन योर नोटबुक, 8.3 वाली एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में मैंशन करनी है। इन नेक्स्ट क्लास वी मीट विद नेक्स्ट एक्सरसाइज, टिल देन बाय स्टूडेंट्स स्टे होम बी सेफ कंप्लीट योर वर्क टिल एक्सरसाइज 8.3 इन योर नोटबुक थर्ड क्लास।